न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम कल यानी 26 जनवरी को माउंट माउंगुई में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि दूसरी तरफ भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी कीवी टीम भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। माउंट माउंगुई में खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दूसरे वनडे में भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाजों को सस्ते में पेविलियन भेजने का खाका हमने तैयार कर लिया है। बोल्ट ने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, शिखर धवन के अलावा कप्तान विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। बोल्ट ने कहा कि हमारी रणनीति होगी कि पारी के पहले 10 ओवर में हम रोहित शर्मा, शिखर धवन समेत विराट कोहली का विकेट झटक भारत की मजबूत बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बना सकें। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा समय में रोहित शर्मा, शिखर धवन समेत विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में हैं, और जब ये तीनों बल्लेबाज अपने लय में हों तो दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए इन्हें आउट करना आसान नहीं होता। खासतौर पर टीम इंडिया में हिटमैन के नाम से मशहूर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा मैदान में टिक गए तो अकेले ही कीवी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ सकते हैं। बोल्ट के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है, रोहित शर्मा, शिखर धवन समेत कप्तान विराट कोहली को कीवी टीम सस्ते में आउट करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको बता दें कि नेपियर में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहले ही 2 ओवर में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और कोलिन मुनरो जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को आउट कर कीवी टीम को मुकाबले से बाहर कर दिया था। मार्टिन गुप्टिल और कोलिन मुनरो के बारे में बोल्ट ने कहा कि अतीत में हमें इसी सलामी बल्लेबाजों ने कई बार अच्छी शुरुआत दिलाई है।